एल्डोल क्या होते हैं, एल्डोल कंपाउंड कौन से यौगिकों द्वारा दिए जाते हैं, एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में इसकी स्टडी करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज में ये हमारा 10th वीडियो लेक्चर है। 9th वीडियो लेक्चर में हमने टिशेंको रिएक्शन की स्टडी की थी, जबकि 7th और 8th वीडियो लेक्चर में हमने कैनिजारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की स्टडी की थी। 7th वीडियो लेक्चर, 8th वीडियो लेक्चर और 9th वीडियो लेक्चर ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दकोश कॉमन है। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप एक बार हमारा 7th वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने कैनिजारो रिएक्शन और उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी की है, अवश्य देखिएगा, तो आप इस वीडियो लेक्चर में प्रयुक्त होने वाले शब्दकोश समझ सकते हैं। जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन रहित कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन सहित कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं। रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है, आप ये सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन वह एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जबकि एल्डोल संघनन वह कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कि कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है, अर्थात कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप पाया जाता है, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन। सेकंड डिफरेंस इज ये अभिक्रिया सांद्र NaOH की उपस्थिति में होती है, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन तनु NaOH की उपस्थिति में होती है। तो जब आप इस रिएक्शन को समझेंगे तो कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में ये डिफरेंस आप ध्यान में रखेंगे। आइए एल्डोल संघनन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, नोट नंबर एक में ये लिखा है कि एल्डोल या कीटोल ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें क्रमशः एल्डिहाइड CHO, कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ समूह के साथ साथ एल्कोहल OH समूह भी पाया जाता है। जैसे कि आप सामने शब्दकोश से ही समझ सकते हैं, एल्डोल, एल का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप, ऑल का मतलब है एल्कोहल ग्रुप। इसी प्रकार से कीटोल, कीटोल का अर्थ है कीटोन ग्रुप एंड ऑल का अर्थ है एल्कोहल ग्रुप, अर्थात ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप पाए जाते हैं वह एल्डोल कहलाते हैं। इसी प्रकार से वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कीटोन और एल्कोहल ग्रुप दोनों उपस्थित होते हैं उनको हम कीटोल कहते हैं। नोट नंबर 2 के अनुसार आप देख सकते हैं, एल्डोल तथा कीटोल तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर निर्जलीकृत अर्थात डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, और डिहाइड्रेशन के पश्चात अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक अर्थात कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन युक्त यौगिक देते हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा असंतृप्त का अर्थ है कि अनसैचुरेशन अर्थात डबल बॉन्ड ऐसे कार्बन एटम्स के मध्य होगा जो कि अल्फा और बीटा पोजीशन पर होंगे। जैसे कि आप सामने 2 एग्जांपल के द्वारा इसको समझ सकते हैं, वह कार्बन एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे लगे हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे और अल्फा कार्बन से लगे हुए कार्बन को हम बीटा कार्बन कहेंगे। तो यहाँ पर जो अनसैचुरेशन है वो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में है, अर्थात डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में उपस्थित है। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल में ये वाला जो ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन ग्रुप, इससे लगे हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन कह देंगे और अल्फा कार्बन से लगे हुए कार्बन को हम बीटा कार्बन कह देंगे। और यहाँ पर जो अनसैचुरेशन है अर्थात डबल बॉन्ड पाया जाता है वह अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में है। आइए एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन की स्टडी करते हैं और उसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं, वह है एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं
तनु NaOH की उपस्थिति में संघनन करके अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अर्थात क्रमशः एल्डोल तथा कीटोल देते हैं। सामने आप इसको एक रिएक्शन के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। ये वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है वो इस वाले ऑक्सीजन की ओर चला जाएगा और इस प्रकार से CH3CHOH CH2CHO ग्रुप समूह का यौगिक प्राप्त होगा जो तनु HCl के साथ गर्म करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अर्थात एल्डोल देगा। आइए इसको एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। इस यहाँ पर हमने कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत ऐसा यौगिक लिया है जिसमें कि कीटोन ग्रुप है और यह अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रखता है, अर्थात यहाँ पर हमने एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स को तनु NaOH के साथ क्रिया कराई है। तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ जा कर के CH3CHOH CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 देगा, जो कि तनु HCl के साथ गर्म करने पर जल का एक अणु बाहर निकाल देगा। इस प्रकार से ये जल का अणु जो है बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर अल्फा बीटा कार्बन पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी और हमको कीटोल प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे।